Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum dear students. I hope you all guys are doing great. Today our topic number 11 for class 7th second term is transformation of sentences from one tense to another. मतलब एक टेंस से दूसरे टेंस में जुमला कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, या एक टेंस से दूसरे टेंस में जुमला कैसे तब्दील करेंगे. तो इसके लिए कुछ जुमले हमारे पास, कुछ सेंटेंसेस हमारे पास गिवन है. ये आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा पास्ट में है और कौन सा फ्यूचर में है, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. लेट सपोज आपके पास एक जुमला है, सिंपल सा जुमला है, बहुत आसान सा. वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. तो ये हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है. प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान ये है कि लास्ट में जो भी जुमला आप दें उसके लास्ट में ता है, ती है, थे हैं, इस तरह के अल्फाज आएंगे. ही गोज टू स्कूल, ये गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. और इस टेंस का रूल ये है कि जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, जो कि इधर लगा हुआ है. ठीक है, उसके बाद इसको हम अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस का रूल ये है कि पास्ट टेंस अपने साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता है. तो वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल. तो वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो वेंट गॉन. तो सेकंड फॉर्म कौन सा हुआ, वेंट. तो ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. तो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट से पास्ट इंडिफिनिट में एक ये जुमला ट्रांसफॉर्म किया. अब यही जुमला अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट में ट्रांसफॉर्म करना चाहे, मतलब तब्दील करना चाहें, तो वो कुछ यूं होगा, वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल. और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का रूल ये है कि उसमें हम, जैसे कि वो टेबल हमने बनाया हुआ था फर्स्ट टर्म में, आप स्टूडेंट देख सकते हैं वो टेबल, टेंसेस जो टेबल था उसमें आप देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट में विल हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा. तो ही के साथ हमने विल यूज़ किया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडिफिनिट का, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया. सो ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा. अब आते हैं कंटिन्यूस वाली लाइन पे, वो स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है. ही इज गोइंग टू स्कूल, इज जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी इसके साथ हम लगाएंगे. तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था. इसको हमने हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अभी पास्ट कंटिन्यूस में, वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल. चूंकि वाज जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आई एन जी लगाएंगे, इसलिए हमने वाज गोइंग लगाया. वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल. चूंकि वाज जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है प्लस फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आई एन जी, तो हमने भी वैसा ही किया, ही वॉज गोइंग टू स्कूल. अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर, तो वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल. विल बी क्यों लगाया, क्योंकि विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है प्लस फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आई एन जी, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल. अच्छा, अब आते हैं हम परफेक्ट टेंसेस पर, जिसमें कोई काम हो चुका होता है. वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल. चूंकि हैज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम ये लगाते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो गो वेंट गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल. वो स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल. चूंकि हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड प्लस गॉन, गो वेंट गॉन,
ही हैड गॉन टू स्कूल। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। तो सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, वो स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और गॉन जो है ये थर्ड फॉर्म वर्ब है। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। फिर आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस पर। तो वो दो दिन से स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज। वो दो दिन से स्कूल जा रहा है। तो हैज बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। और इस टेंस की पहचान कुछ यूं है कि इसके साथ हम लगाएंगे सिंस और फॉर। सिंस किधर यूज होगा, फॉर किधर यूज होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। वीडियो की लास्ट तक आप ये लेक्चर मेरे साथ देखते रहें। वो दो दिन से स्कूल जा रहा है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज। चूंकि हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी ये इसके साथ यूज होता है, इसलिए हमने इसमें लगाया ये। अच्छा, वो दो दिन से स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज। ये विल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी ये इसके साथ लगेगा। तो ये बन जाएगा हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं टेंसेस के बारे में आपको कुछ यूँ बताते चलूँ। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान कुछ यूँ है कि जब उसमें सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ एस या ई एस लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ही तो गो के साथ एस या ई एस लगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, लेकिन अगर आप उसके आपके पास इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमला हो या नेगेटिव हो तो उसमें डिड लगता है और डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है डू डिड डन। तो डिड कौन सा हुआ सेकंड फॉर्म, तो डिड जब खुद सेकंड फॉर्म है तो फिर जो वर्ब है मेन वर्ब वो हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अगर इधर लगा कि डिड ही तो फिर आएगा गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल या ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, और फ्यूचर में विल लगेगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम या आर लगेगा और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूस में वाज लगेगा या वर लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी। वाज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, वर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इधर लगाएं कि दे ही के बजाय लगाएं कि दे तो दे वर गोइंग टू स्कूल। अगर इधर आया हुआ है कि ही तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल ये सिंपल है, लॉजिक वाले टेंसेस जितनी है लेट मी एक्सप्लेन दैट। अच्छा, वो स्कूल जा चुका है तो ही हैज़ जो है ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हैड जो है ये पास्ट टेंस की है और विल हैव जो है ये फ्यूचर टेंस। अच्छा, हैज़ बिन और हैव बिन पर मैं आऊँगा। तो हैज़ बिन उधर यूज़ होगा जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लाइक ही हैज़ बिन। अगर यहाँ पर आया होता कि दे तो दे के साथ आएगा हैव बिन, दे हैव बिन गोइंग या दे हैड बिन गोइंग या दे विल हैव बिन गोइंग। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।